क्या हाल है भाई यार। आज मैं आपके लेके आया हूँ बड़ी जबरदस्त किस्म की काली करोला का रिव्यू। अच्छी लग रही है ना काली करोला, लेकिन आपको पता है इस काली करोला के अंदर खास बात क्या है भाई? ये किसी मशहूर बंदे की काली करोला है। आइए मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वैसे भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बेहतरीन बेहतरीन। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं जी, मेहरान से यहाँ तक अपग्रेड कैसे हुआ और कब हुआ? बस ये एक साल हो गया इस चीज को। सही सही। इंसान के अपग्रेड, जिंदगी में अपग्रेड बहुत जरूरी है, तो हमने भी सोचा कि जरा मेहरान से थोड़ी ऊपर सडान में आ जाए। क्या बात है क्या बात है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यार इसके अंदर आके आपको कोई तीन ऐसी चीजें जो आपके दिल में ऐसे उतर गई हो इस गाड़ी की। एक तो मुझे बाबा इसका रेडिएटर चेक नहीं करना पड़ता, दूसरा इसका एसी, और चौथी इसकी वो लिमिट्स सारा इसकी मैं पुश कर सकता हूँ। मेहरान की तरह ये 90-100 पे आगे नहीं कर रही थी। क्या बात तो है सर। चलें चलें सर, अभी हमारा मेन रिव्यू चल रहा है, उसके लिए मूविंग शॉट्स बनाना, तो आप इस गाड़ी के पीछे डाल दें जब तक हम ऐसा ऐसा आपसे पूछते रहेंगे चीजें और दौर। ठीक हो गया, तो अच्छी चीज आपको पता लगेंगे। सर दो तीन चीजें ऐसी बताएं जो आप जरा मिस करते हैं इसके अंदर। मिस मेहरान से क्या? वैसे मैं ओवरऑल जेनेरिकली ओवरऑल मैं बस कहता हूँ कि मैं 16 लाख में क्या ही डिमांड कर सकता हूँ एक गाड़ी से। वो ये कि काश इसमें सनरूफ होती, लेकिन ये है कि सही है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि 16 लाख के अंदर अच्छा है, इसका एसी भी अच्छा है, टायर्स मैंने सही डलवाए हैं इसके, जिसकी वजह से ये जरा मोटरवे पे भी जरा तंग नहीं करती मुझे, तो आई लव इट, कोई टेंशन नहीं। क्या बात है। तो आप लव करते हैं अपनी करोला को, मैं लव करता हूँ अपनी मेहरान को, आप भी लव। अब मैं हाला आपका लव थोड़ा कम होने वाला है। सही सही। प्यार की भी एक हद होती है। सही। मैं हाला आपकी जो मेहरान है वो हद पार कर चुकी। वार्डन क्यों आ गया? अल्लाह खैर खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर। अच्छा ये गिल्ट वो दिल में ना डर सा किया भी नहीं है। तो ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाड़ी की लेग स्पेस की, तो यार लेग स्पेस तो करोला का मतलब बेहतरीन है, हेड स्पेस बेहतरीन है, और हेड स्पेस अगर आप देखें ना वो जो पानी गाड़ियों के आजकल माशाल्लाह वो खड़े होकर अगर आप गाड़ी चला रहे ना उसमें, हाँ तब भी आपके हेड स्पेस सर। इसके अंदर एक गाड़ी आती है रोक्स नाम होता है, एन वैगन, और उसके अलावा RXX के नाम से भी आती है ऐसे ना सर। वो मतलब ऐसा पीछे वाले सीटों पर इतनी जगह बीच में आप लेट जाओ तो सर वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो सर हम लोग ये टिकटॉक के ऊपर एक हमने शॉर्ट रिव्यूज की सीरीज स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम छोटे छोटे लोगों को रिव्यूज देते हैं फॉरन दस्ती दस्ती ना, ऐसे कैजुअल किस्म के। वो पार्क व्हील से, ये पार्क व्हील ही है। नहीं नहीं सर, ये है पार्क व्हील शॉर्ट्स के ऊपर हम यूट्यूब पर भी डालते हैं, और इसके अलावा टिकटॉक और स्नैप वीडियो पर भी डालते हैं। तो यार अगर आप लोगों को भी ये रिव्यूज पसंद आ रहे हैं, और आप अच्छा सर एक छोटा सा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज 13 तक निकल आती है शेयर सिटी के अंदर, आउट ऑफ सिटी जाऊँ तो 17 तक दे देती है। कैलकुलेट वैसे मैं कभी नहीं की, तो मैं इसकी टोटल जो निकालता हूँ यहाँ से रेंज को आप लीटर पर डिवाइड कर लेता हूँ, टोटल जितनी वो चली होती है पूरे किलोमीटर उसको डिवाइड कर लेता हूँ, इट वर्क्स वेल। ओके तो यार ये वार्डन भाई जो है रस्ते में है, और हम लोग अब जाएंगे रिव्यू कांड करने की तरफ। वो सामने वाली गाड़ी आप देख सकते हैं वो बीरोज बना रही है। तो हमें टिकटॉक स्नैक वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।